बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो। बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। नमस्कार मित्रों, राधे राधे। स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल DMR राशिफल में। मित्रों आज हम बात करने जा रहे हैं तुला राशि वालों की। तुला राशि वालों का 25 फरवरी दिन गुरुवार कैसा रहने वाला है, उन्हें आने वाले समय में किन किन चीज़ों से सावधान रहना होगा और तुला राशि वाले लोगों को आने वाले समय में वो कौन कौन सी बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। मित्रों आज हम इस वीडियो में हम बताएंगे तुला राशि वाले लोगों का पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, उनका प्रेम संबंध कैसा चलेगा, उनका बिजनेस व्यापार कैसा चलेगा और उनका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। मित्रों आज हम इस वीडियो में हम आज का संपूर्ण राशिफल बताएंगे। मित्रों आपकी भी तुला राशि है तो वीडियो को पूरा देखें। मित्रों आज का दिन गुरुवार है, विष्णु भगवान का दिन है, विष्णु भगवान की पूजा अर्चना करें। मित्रों और कमेंट में जय विष्णु भगवान लिखें, विष्णु भगवान आप सभी की सभी मनोकामना पूरी करेंगे। मित्रों वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी सभी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। मित्रों अब बात करते हैं आज की चाणक्य नीति ज्ञान के बारे में। आज चाणक्य जी कहते हैं, सोचकर व्यक्ति बड़ी से बड़ी चुनौतियों को आसानी से हराने में सक्षम होता है। आचार्य चाणक्य जी के अनुसार जो व्यक्ति कठिन परिस्थितियों में चुनौती से घबरा कर बैठ जाते हैं वह कभी भी सफल नहीं हो पाते, परंतु सकारात्मक दृष्टि का व्यक्ति ऐसे योगों को सहयोग चुनौती मानकर देखकर सफलता की मंजिल प्राप्त करता है। वह सब कुछ तकदीर में लिखा होता है, लेकिन परिश्रम करने वाले व्यक्ति अपनी तकदीर अपनी मेहनत से बनाते हैं। आचार्य चाणक्य जी के अनुसार जो व्यक्ति सफलता के शिखर पर पहुंचता है वह बहुत ही मेहनती होता है। सफल व्यक्ति मेहनत कर कभी नहीं छोड़ता। जो भाग्य के भरोसे बैठ जाते हैं उन्हें सफलता कभी नहीं मिलती। निष्क्रियता इंसान को सफल से कोषों दूर रखती है, लेकिन जो व्यक्ति सक्रिय होते हैं, अपने कार्यों को लेकर तत्परता दिखाते हैं, वह व्यक्ति जरूर सफलता की ऊंचाई को छूते हैं। अगर आप जिंदगी में सफलता चाहते हैं तो बहुत जरूरी है कि आप अपने क्षेत्र में सक्रिय रहें, से कार्य क्षेत्र में सभी के साथ अच्छे संबंध बनाने के शानदार रहना चाहिए। हर किसी के शानदार कला होती है, लेकिन जिसमें के पास होती है वह सफल माना जाता है। आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि अपने क्षेत्र में किसी कार्य को भी सिक्का जमाना चाहिए, आपको उस क्षेत्र में लोगों से अच्छे संबंध स्थापित करने चाहिए। मित्रों यही था आज की चाणक्य नीति का ज्ञान। पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर करें। अब बात करते हैं आज के पाचांग के बारे में। पाचांग 25 फरवरी दिन चल रहा है, गुरुवार तिथि चल रही है, त्रयोदशी नक्षत्र चल रहा है, पूर्णे और ऋतु चल रहा है बसंत ऋतु, पक्ष चल रहा है शुक्ल पक्ष। आज सूर्य उदय होगा 6:32 पर और सूर्यास्त होगा 4:58 पर। आज का शुभ समय 11:18 से 12:48 तक। आज का अशुभ समय 2:17 से 2:48 तक। आज तुला राशि वाले लोगों की भाग्यशाली संख्या 7 है और भाग्यशाली दिशा दक्षिण है और भाग्यशाली रंग पीला है। मित्रों अब बात करते हैं आज के संपूर्ण राशिफल के बारे में। राशि सूर्य आपकी राशि में लगन भाव आर्थिक पहले से स्थान पर प्रवेश करने वाला है। इस दौरान आपको जीवन में उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है। दूसरों के खुश करने की कोशिश करते नजर आएंगे। कार्य क्षेत्र में कड़ी मेहनत करने में सफलता होगी और अपनी क्षमताओं को विश्वास करना होगा। गोचर काल में पारिवारिक नकारात्मक असर पड़ेगा। मित्रों के साथ अच्छा समय गुजरेगा और यात्रा पर जाने के विचार बन सकते हैं। आज का दिन भविष्य के लिए बहुत ही सोचने का लेकर सतर्कता बरतें। नकारात्मक व अशंकारी विचार मन में आ सकते हैं। बिजनेस से जुड़े लोगों को धन संपत्ति होती है और परिश्रम का पूरा फल मिलेगा। अगर कहीं पैसा फंसा है तो उसको मिलने की संभावना बढ़ रही है। स्वास्थ्य को लेकर जिन लोगों को कफ की समस्या है उन्हें ठंडी चीज़ों का सेवन करने से बचें। साथ ही ध्यान रखें कि बेवजह किसी पर क्रोध न करें। संतान की प्रगति को लेकर शुभ समाचार मिलेंगे और
कुल संबंधितों में अच्छी खबर मिलेगी। कार्यों में सफलता, मान सम्मान में वृद्धि होगी। अक्षमत अकल्पित उलट फेर लाभ मिल सकता है। भाग्य पर आज आपका साथ देने के लिए बेताब है। कर्म करते जाओ, सब कुछ भाग्य पर छोड़ दो। ध्यान धन और लाभ होगा। मित्रों, यही था आज की राशि का राशिफल। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ऑल पर सिलेक्ट कर लें ताकि हमारी सभी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। मित्रों।